अच्छे ढंग से होने चाहिए और दूसरी तरफ रीति रिवाज भी पूरे नहीं करने कैसे ठीक तरह से रखवा दिया ना पंडित जी। हाँ जजमान सब ठीक तरीके से रखवा चुप कराइए बेचारी क्या सोचेगी देखिए अच्छे घुसर घुसर कर रही है भरोसे जी ने भी लेकिन ये पंडित हाँ सारा कसूर पंडित का ही तो है तुम्हारे सुविधे के लिए शास्त्र नहीं बदला जा सकता गेंदा सिंह अगर एक बार अर्थी गांव से बाहर आ गई तो वापस नहीं जा सकती समझे और सुन लो दाह संस्कार करने के बाद ही अब आप सब लोग वापस जा सकते हैं तो ये भी किसी शास्त्र में लिखा है कि अर्थी को इस खंडर में ले आओ ये मैंने कब कहा असल बात तो ये है कि आप भरोसे जी की अर्थी को नहीं अपने आप को बरसात से बचाने के लिए खंडर में आया देखिए पंडित जी आप हमारी भावनाओं का अपमान कर रहे हैं आसान में इकट्ठे हुए थे 400-500 लोग लेकिन बारिश शुरू होते होते ना जाने कहां तुम दबाकर भाग गए और अगर हम भी भाग जाते तो इस अर्थी का क्या होता बोलिए बोलिए अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो जो भाग गए वो भाग गए उनकी श्रद्धा उतनी ही रही होगी लेकिन जो लोग यहां पर आ गए हैं भाई कम से कम उन्हें तो गंभीर रहना चाहिए 4 घंटे से दौड़ाते दौड़ाते आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ पंडित जी हमारी जी मेरे मन में एक विचार आया जब मैं गीता पाठ कर रहा था बताइए ना थोड़ा डरता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए पंडित जी बेखट के बताइए आप लेकिन अब तो सब गड़बड़ हो गया पहले पंडित जी को पूरी बात तो रखने दीजिए आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि दाह संस्कार से पहले हमने कौन सा कार्यक्रम करने की सोची थी उसे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की दाह संस्कार से पहले हम लोग एक शोक सभा का आयोजन करने वाले थे जिसमें मैं भाषण देने वाला था और तो और वो गेंदा सिंह भी भाषण देने वाला था लोग न जाने पीछे से क्या कहेंगे अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे लोग तो सिर्फ वही कहते हैं या सोचते हैं जो हम लोग उन्हें कहते हैं गेंदा सिंह तुम यहाँ क्या कर रहे हो चलो उधर शोक सभा शुरू होने वाली है चलो पंडित जी हर कई साली सभा जुलूस आप चलिए मैं आता हूँ चलो अभी चलो भवानी जी सबका इंतजार कर रहे हैं समझे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले में बैठे बैठे चलिए शोक सभा में चलिए 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 आप भी पंडित की भूमिका में शिवम पाठक